सो एज आई सेड वी बिगिन टुडे सेशन, कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लोग जब ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, वेयर डू वी कनेक्ट, व्हाई डू वी कनेक्ट, क्या ब्लॉक्स हो सकते हैं हमारे. सो फर्स्ट वील मूव टूवर्ड्स एंजल थेरेपी. रीजन बीइंग के एंजल्स कौन है हमें पता होना चाहिए, बिकॉज टुडे सेशन ऑल्सो वील बी इन्वोकिंग एंजल्स. हम एंजल्स को इन्वोक करेंगे, उनकी मदद से हम आगे बढ़ेंगे. तो पहले जान लेते हैं एंजल थेरेपी के बारे में थोड़ा सा. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंजल थेरेपी? इट इज अ नॉन डिनोमिनेशनल स्पिरिचुअल हीलिंग मेथड जो इन्वॉल्व करता है कि आप एंजल्स यानी कि मैसेंजर्स जो हैं ईश्वर के या जो उनके सबसे करीब होते हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, वेदर इट इज एंजल्स, आर्कएंजल्स. देखिए जितने भी आप डिविनेशन फॉर्म आप जानते हैं जो इनकार्नेट हुए हैं पृथ्वी पे, उन्हें भी हम एंजल्स की तरह ही ट्रीट करते हैं. वेदर इट इज कनेक्शन विद साई बाबा, वेदर इट इज कनेक्शन विद गणेश जी, whether it is connection with Krishna ji, तो आप किसी भी form में connect करते हैं तो आप angels की तरह ही उनको invoke करते हैं. Archangels वो light beings हैं जो divine के सबसे करीब माने जाते हैं. A particularly attuned person can connect with angels through their own work. अब बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कई लोग जो रेकी जानते हैं वो रेकी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जो एंजल थेरेपिस्ट होते हैं दे हैव देयर ओन अट्यूनमेंट एंड थेरेपीज टू कनेक्ट. कुछ लोग इनके लिए कनेक्ट करने के लिए सिजिल्स, रूनस, टैरो को यूज करते हैं, और कुछ प्रैक्टिशनर्स वो एंजल कार्ड्स को यूज करते हैं टू गिव रीडिंग्स. या जैसे आज हम करेंगे, वी आर गोइंग टू इन्वोक एंजल्स to get the readings from them. So how do we proceed with it? We'll do it one by one. And why to do it? Most importantly, अब आप कहेंगे angels से connect क्यों करना है. ऐसा माना जाता है कि हर इंसान जब वो जन्म लेता है उनके कुछ guardian angels होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं कि वो अपनी लाइफ में शांति ला सके, किसी भी तरीके से कैसी भी सिचुएशन क्यों ना रहे. तो जो मानने वाले हैं वो ये बिलीव करते हैं कि क्लियर गाइडेंस मिलती है इन एरियाज ऑफ फाइनेंसेस लाइक रिलेशनशिप, हेल्थ, टैपिंग इनटू लाइफ पर्पस, तो इन सब में बहुत हेल्प मिलती है. फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हेल्पर्स हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में इंटरवीन करते हैं, लेकिन उनकी हेल्प के लिए आपको उन्हें इन्वोक करना पड़ता है. एंजल्स आर वन अमंग्स देम. एंजल्स हमारे, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कीप योर माइक्स म्यूटेड. सो इसमें क्या रहता है कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं, वो आपसे दूर नहीं है. और आपको क्या करना है, जब तक आप उन्हें इन्वोक नहीं करोगे, जब तक आप उन्हें कहोगे नहीं कि आपको उनकी हेल्प की जरूरत है, तब तक वो हेल्प नहीं करेंगे. सो दैट इज द फंडामेंटल हाउ एंजल्स वर्क. इसमें कोई भी अपनी फ्री विल इम्पोज नहीं करता. आप सोचेंगे कि आप फ्री विल इम्पोज कर सकते हो, नहीं कर सकते व्हेन वी आर वर्किंग विद एंजल्स.